काढ़ा पियो और इलायची चबलाने का दास से, है ना। हम लोग हर रोज ले रहे हैं और टिल नाउ वी आर सेफ। एक कप पीने में समझ लो पसीने पसीने आ जाते, लौट जाते। जो मैं बना रही हूँ ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है एक तरीके से। बहुत ही लाइट है ये, बहुत सॉफ्ट भी है। मेरे साथ हैं मिस्टर चार किंग। ये क्या लगा ऑफ इंडिया? ये बुरका नहीं, ये बहुत काम की चीज है। बहुत दिनों के बाद लोग कैसे पहचानेंगे कौन है? अरे जरूरत नहीं पहचान। इनका घर पूरा सैनिटाइजर है। हाँ। सुरक्षित है एकदम। हाँ अंजलि जी देखो घर कैसा, पूरा दिन भर 8-10 बार सैनिटाइजर के लिए देखिए कितना करती रहती है। पूरा गार्डन तक का तो सैनिटाइजर है। इतना डर डर किस बात का है? नहीं वही तो बता ना, डर किस बात का? डर नहीं, डरने का नहीं। कोई कोई लोग डर क्यों रहे ये बताइए? डर रहे कि डर रहे उससे, कर्फ्यू से डर रहे। कर्फ्यू से? हाँ कर्फ्यू, कोरोना से नहीं डर रहे। कर्फ्यू जिसका बिजनेस ठप है तो डर रहे, कर्फ्यू से ज्यादा लोग डर रहे हैं। हाँ तो वैसे आज हम आप मुझे लेकर आए अंजलि मैम के घर, क्या आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं? आज अंजलि जी बना रही हैं 2 आइटम, बहुत बढ़िया डिश बना रही हैं। मैंने सुना है कि मैम एक काढ़ा बना रही है जो कि काफी ज्यादा इस टाइम कारगर है। अब काढ़ा इसे बना रहे कि हम लोग डेली काढ़ा बनाते हैं घर पे सुबह, लेकिन उसमें जावित्री, जायफल, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, जितने भी मसाला गरम मसाले के सब झोंक देते। हाँ झोंक देते, दूसरी उसी जो मिल गया झोंक देते। कड़वा बहुत रहता, एक कप पीने में समझ लो पसीने पसीने आ जाते, लौट जाते। लेकिन अंजलि जी के में ऐसा नहीं है। अंजलि जी बोल रही थी कि भाई हमारा जो काढ़ा है डिफरेंट है और इसको बच्चे भी पी सकते हैं, तो ये अभी हमने पूछा जावित्री भी डाल दो, हैं गरम मसाले जितने पत्ते। तो ठीक है मैम, प्लीज़ आप इधर आ जाइए। तो मैम ये बताइए कि जो अभी आज आप काढ़ा बनाने वाले हैं तो कोविड को देखते हुए कितना कारगर हो गए? टच वुड आई शुड से कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम लोग हर रोज़ ले रहे हैं और टिल नाउ वी आर सेफ विद द हेल्प ऑफ दिस काढ़ा। काढ़ा जो मैं बना रही हूँ उसमें ज़्यादातर तो सामान हमारी किचन में मिल जाएगा। जैसे कि ये है छोटी इलायची, तुलसी, ये है दालचीनी, ये मैंने अदरक को ग्रेट करके रखा हुआ है, दिस इज अजवाइन, पेपर, और ये है लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं जराकुस, और ये है हिबिस्कस। जो मैं बना रही हूँ ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है एक तरीके से, अगर खांसी है, जुकाम है, बुखार है उसमें भी आप दे सकते हैं। और आजकल के कोरोना के टाइम्स में जब आपको चाहिए आपका थ्रोट बिल्कुल क्लीन हो उसके लिए इट वर्क्स लाइक मैजिक। मैंने अप्रॉक्सीमेट 2.5 कप्स पानी डाला, ठीक है। ये है तुलसी का पत्ता, इलायची, छोटी इलायची डाला मैंने, दालचीनी, अदरक है, लौंग डाल लिया मैंने, अजवाइन डाला मैंने, लेमन ग्रास यानी कि जराकुस, इसको तो पुराने टाइम से लोग जानते हैं, गांव के लोग सब जानते हैं कि किसी को खांसी जुकाम हो तो इट वर्क्स लाइक वंडर्स। इसका नाम जराकुस है? जराकुस है, हाँ जी। लोग चाय पत्ती बोलते वही तो नहीं है? ये इसका नींबू पत्ती, नींबू घास, गुड़हल का फूल, ये मैं डालती हूँ फ्लेवर के लिए और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। भैया आज काढ़ा पीना पड़ेगा, देखेंगे कैसा बना है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इफ यू वॉन्ट टू ऐड यू कैन ऐड हनी या फिर गुड़। हार्डली जब एक दो बॉयल आ जाएंगे उसके बाद मैं उसको सिमर कर दूंगी जिससे कि जो भी इसका फ्लेवर है वो इन्फ्यूज इसके अंदर ही रहे एक तरीके से, तो मैं इसको ढक के रखती हूँ। तो भैया देखो अंजलि का काढ़ा भी रेडी हो गया और सूप भी रेडी हो गया। तो अभी आप छान के दे रही हैं, हम पिला रहे हैं। पहली बात है कि मैं अपने काढ़ा छानती नहीं हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स घर के हैं, आई वॉन्ट देम टू बी इन योर कप। अच्छा। मैं चाहती हूँ आपके कप में ही रहें और आप उसको देखें और पसंद करें और पिएं। काढ़ा पियो और इलायची चबलाने का दास से, है ना। हाँ। जो भी आए मुंह के अंदर चबा जाने का डायरेक्ट है। हाँ, तो नहीं, इसको मैंने हल्का जैसे एक दो बॉयल जब आ गए उसके बाद मैंने उसको सिम पे रख दिया और ढक के रखा जिससे कि अच्छी तरीके से सारा का सारा जो फ्लेवर है वो उसमें इन्फ्यूज हो जाए, अंदर रहे मेरे काढ़े में, और ये आपकी गले में जो खराश है या बुखार है उसमें आपको हेल्प करे। ठीक है, आई जस्ट सर्व इट नाउ। मैं इसको छानती हूँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, ओके। फाइनली हमारे पास आ चुका है ये हर्बल टी। अच्छा। और सर मेरे पास रामबाण है, रामबाण पता है? इस समय चल रहा है कोरोना, सबसे मतलब रामबाण इलाज यही है। ये 2 कप हम पी गए। अब आ रहा है जजमेंट का टाइम, तो अब देखते हैं मैम ने इतने मेहनत और मोहब्बत से बनाया तो इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको छाना नहीं है मैम ने? अभी जी तुम ये पियो। हाँ। और चबा जाने का जो इलायची आती है ना। हाँ। आप देखो कैसा लगे, तो देखना एकदम।
मैं थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ, कटकटी आ जाएगी। नहीं मतलब मैं खाने में जब मिर्ची भी आती थी ना या टमाटर, मैं उसको निकाल देता था। तो लौंग आ जाए तो चबा जाने का, इलायची आया चबा जाओ, हम तो चाट गए उसको, चाट गए। रुकिए ये दूसरी तीसरी कटोरी है, अब नहीं मिलेगा, अब दूसरे राउंड में जब आएंगे। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसमें शायद बता रही थी मैम ने कोई शुगर वगैरह नहीं ऐड किया है। कुछ नहीं, यही तो हम तो शुगर पेशेंट हैं, हम भी ऐसे करते हैं। आप तो। आपको भी चाहिए विदाउट शुगर तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा पूरे वीडियो में मैम ने कैसे बनाया है, तो आप भी इंग्रेडिएंट के साथ इसको बना सकते हो घर पे। और ये सारे इंग्रेडिएंट जो है मैम के घर पे, इनका बगीचा है वहीं पे इसको उगाया गया है, प्योर ऑर्गेनिक, कुछ भी कुछ मिलावट नहीं है। तरबूज भी उस दिन तरबूज तोड़ पिलाया था, तरबूज जूस पिलाया था। हाँ तरबूज भी, अभी चलेंगे देखने, मत दिखाओ किसी को, नहीं तो यहाँ मजमा लग जाएगा, मोहल्ले वाले परेशान कर डालेंगे, समझे? हर आदमी वगैरह कोई दीदी बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करो। बहुत ही लाइट है ये, बहुत ही सॉफ्ट भी है, अगर आप अपने घर पे बनाओगे तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है वो। तो जैसे आप आजकल का टाइम चल रहा है कोरोना का, तो ये एक रामबाण इलाज है, अपने घर में बनाइए, कोरोना से बचिए, सर्दी जुकाम से बचिए, हर चीज़ की जो मर्ज की दवा है ये आपके सामने है। सुनो अब खा पी लो, उसके बाद एक कटोरा वो लगा लो, भुरका लगा लो ना तो लोग गालियाँ देने गए। नहीं हम मास्क लगा के रखते, बस कैमरे के सामने आए इसलिए हमने इसको निकाला, हम लोग मास्क लगाए रखते हैं। सब एक ही चिंता रहती है, भैया मास्क लगा रहे खाते समय, भैया कैसे लगा लो, हम जब कुछ खाते जाते हैं तब उस वक्त नहीं लगाते। कबाब बोलो तो कि नॉन वेज, अच्छा तो उन्होंने बोला कि वेज कबाब बनाएंगे एक दिन, वेज कबाब। हाँ वेज कबाब और वेज अंडे का सैंडविच, वेज ऑमलेट, वेज ऑमलेट। अच्छा तो जरा डिफरेंट है, ऑमलेट बोलो तो समझता है। हाँ ऑमलेट मतलब एग, और वेज ऑमलेट मतलब ये क्या चीज है। खाएंगे, हमने उनसे अपार्टमेंट ले लिया अंजलि से। अच्छा हाँ ले लिया है। हाँ दो आइटम बना के देखेंगे, एक वेज कबाब और एक वेज आमलेट। ये अभी तक आपने तो ये दो रेसिपी की अपॉइंटमेंट सर ने ले रखी है, तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा ये। हाँ, वेज ऑमलेट तो मुझे भी थोड़ा यूनिक लग रहा है। नहीं अभी कल ही आज ही सुबह फोन आया जैन से, तो अभी दो चीजें एक बनाएंगे, वेज कबाब और वेज आमलेट। चलिए ठीक, अगले राउंड में मिलते हैं। ओके अगले राउंड में मिलते हैं हम लोग। हाँ तब तक कोरोना भी खत्म हो जाएगा और हम लोग चलेंगे शूट करने के लिए। ओके चलिए बाय बाय।